बजट कैमरा में इतना सही सही फीचर्स दिया है और इसमें इतने सारे माउंट्स दिए हैं ना, जे माउंट्स, चिन माउंट, ये माउंट, वो माउंट, कुछ तो माउंट्स मुझे समझ में भी नहीं आई। लिप्स के पास ना लगाए, अगर क्लियर वॉइस चाहिए तो क्रिस्पी। बहुत तगड़ा लग रहा है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी मिल रही है। देखिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही है अपने ये नए वाले एक्शन कैमरा से, कैसन के, और इसका माइक भी इसी का जो कैमरा में मिला है मैंने वही वाला यूज़ किया है ताकि एग्जैक्ट मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। पता नहीं एंगल कैसा आ रहा है, एंगल ठीक ही आ रहा होगा, हालांकि मुझे अपने जितना नॉलेज है मेरे को, मैंने उतना इसका सेट किया हुआ है और वाइड पे रखा हुआ है एंगल, क्योंकि अपने को सब कुछ चाहिए मोटो ब्लॉगिंग में। नॉइज रिडक्शन भी इसका ऑन है और ये 4K 30 FPS पे भी शूटिंग चल रही है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रह रहा है। अभी मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है, मैं एडिटिंग के टाइम पे सुनूंगा, बट जो भी हो अच्छा ही लग रहा है। और ये थोड़ा सा वाइजर ऑन करके भी कुछ कुछ टेस्टिंग कर ले रहा हूँ कि एग्जैक्ट पता चल जाए। वाइजर को कर लेते हैं ऑफ। ऐसे इतने बजट कैमरा में इतना सही सही फीचर्स दिया है और इसमें इतने सारे माउंट्स दिए हैं ना, जे माउंट्स, चिन माउंट, ये माउंट, वो माउंट, कुछ तो माउंट्स मुझे समझ में भी नहीं आई। और इसके जो जो फीचर्स जो मैंने सुने हैं बड़े बड़े मोटो ब्लॉगर से, और जिस चक्कर में मैंने ये लिया है मैं वही चीज़ टेस्ट करने निकला हूँ। कुछ चीज़ें तो ठीक है, खरी उतरी है ये, वीडियो क्वालिटी भी बहुत ठीक ठाक अच्छी दे दे रही है, बट अब जो है इसका मेन टेस्टिंग है वो विंड नॉइज़ रिडक्शन का, और साउंड कैसा आ रहा है, क्लियर क्रिस्प आ रहा है कि नहीं। मैंने माइक जो है अपने सर के ऊपर लगाया हुआ है, फेस के पास या मुंह के पास, लिप्स के पास नहीं है, क्योंकि इसके यूज़र मैनुअल में भी क्लियर लिखा था कि आप लिप्स के पास ना लगाएं, अगर क्लियर वॉइस चाहिए तो क्रिस्पी। तो निकल गया हूँ मैं टेस्ट पे, और ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं जाएंगे, मैं यहीं पर अपने गांधी मूर्ति के पास ही, थोड़ा सा ही राज स्वीट्स एक पड़ता है शास्त्री नगर में, तो यहीं पर हम लोग जाएंगे, चाय वाय पियेंगे के निकल जाएंगे। आप लोग को एक रेफरेंस भी मिल जाएगा, अगर ये कैमरा अच्छा परफॉर्म कर देता है ना भाई साहब, तो ये बहुत बढ़िया कैमरा है। बजट सेगमेंट में कैमरा बहुत चीज़ ऑफर करता है ये, यहाँ तक कि वाटरप्रूफ केसिंग, एक से एक चीज़, फ़ोटो की क्वालिटी 24 मेगापिक्सल तक की देता है ये, वीडियो 4K 60 FPS तक देता है ये। आ गया हूँ यहाँ, अब यहाँ पे पहले फटाफट से बाइक करेंगे पार्क एंड देन करेंगे। गाड़ी गिरेगी तो नहीं यहाँ पे, नहीं गिरेगी, हट जाओ बाबू। तो लीजिए यहाँ से अपना जो है चाय पीना कंप्लीट हो गया, और मैंने सोचा कि अब जब इस ब्लॉग को हमने स्टार्ट किया ही है टेस्टिंग वाला, तो थोड़ा सा और आगे चल के देख लेते हैं। वैसे हम वहीं से वापस भी जा सकते थे बट नहीं, और हमने रुक के देखे इसके वीडियोस के सैंपल्स, कुछ बहुत ही अच्छे और बहुत ही तगड़े लगे। साउंड नहीं आ रहा था, एकदम क्रिस्प वॉइस आ रहा था। अब हाई स्पीड पे ले जाके देखेंगे कि कैसे क्या आ रहा है। ओए होए, ये देख लीजिए वरना पे क्या क्या लिखा गया है, ए और हीर, अहीर, और पीछे साइड में लिखा गया हिंदू। बहुत बहुत तगड़ा लग रहा है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी मिल रही है। देख लीजिए एक नवीन सिन्हा स्मृति पार्क है एक छोटा सा, तो और ये मंदिर भी है। मुझे इसलिए खुशी मिल रही है कि भाई साहब जितना खुशी मैं एक बाइक ले कर होता ना, मुझे जितना मतलब अंदर से एक्साइटमेंट मिलता उतना मुझे इस कैमरे को ले कर मिल रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
एमसील से चिपकाते हैं इसके माउंट को, ये वो करते हैं, बट मैंने जो पहले से चीन माउंट यूज़ कर रखा था एक्शन प्रो का, मैंने उसी में सिर्फ जे माउंट को चेंज करा, इसका कैमरा वाला जे माउंट लगा के बस उसी में माउंट कर लिया हूँ, क्योंकि देखो ये मेरा फुल प्रूफ है, मैंने इसको 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत स्पीड हाई स्पीड में भी मैंने इस पर राइड करी है, तो इसलिए फ़ोन बस गिर गया इसलिए कि फ़ोन छटक गया इसका, बट चीन माउंट में कोई दिक्कत नहीं आया था तो मैंने इसी में माउंट किया है। और ये देख लीजिए स्कॉर्पियो एकदम दहाड़ते हुए जा रही है, और इधर हम भी दहाड़वा रहे हैं बुलेट को, और ये MSD महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, अब उनका है या किसका है वो नहीं पता, लेकिन नाम पे उनके रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे मैचेस होते रहते हैं, और ये DAV पब्लिक स्कूल, और ठंडी एकदम जोरों शोर पे है, और शाम भी थोड़ा थोड़ा हो ही गया है हल्का हल्का, तो ये भी एक अच्छा सा ऑप्शन बन गया अपने टेस्टिंग के लिए, और गाड़ी को हमने थोड़ा बहुत खींचा कि विंड नॉइज़ भी पता चले, बट इतना टेस्टिंग ये कर लेंगे यही बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और ये बगल से MT वाले एकदम रेस लगाते हुए, इनको लग रहा है कि हाँ भाई यही जो है वह है, अपना अगर टेस्टिंग नहीं होता तो इनको बताया जाता, ये देख लीजिए आप लोग एनर्जी पार्क, हम लोग यहीं रहते हैं तो इसलिए आपको हर ब्लॉग में यही दिखता होगा आते जाते। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ्ट, तो चलिए यही कुछ ये चीज़ जो मुझे इस कैमरा के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा अभी तक, बाकी आप लोग कमेंट डाउन करके बताओ आपको कैसा लगा, और मैं बता दूं कि इसमें मेरे को कोई पर्सनल वो नहीं है, कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, मैंने खुद के पैसे से खरीदे हैं और मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को अब यूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे इसकी जो भी है रेजोल्यूशन क्वालिटी साउंड नॉइज़ सब कुछ एकदम A1 लगी है, तो फिलहाल तो अब मैं यही यूज़ करने वाला हूँ, तो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो, ले सकते हो, चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अच्छे से जाइए खरीदिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस कैमरे में, अपने बजट को एकदम अच्छे से जस्टिफाई करता है, और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या लगा है कि इसमें दो दो बैटरी दिया गया है, एक बैटरी इस कैमरे में, एक बैटरी एक्स्ट्रा दिया गया है विथ चार्जर, आपको अब ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर चार्ज कर लेते हो उसको भी और इसको भी, आपका दिन भर का मोटो ब्लॉग बड़ी ही ईजिली हो जाएगा। अरे होए बच्चे मन के सच्चे, देख लीजिए कैसे दौड़ रहा है बच्चा, और बच्चियां भी हैं यहाँ पे, बच्चे ही सिर्फ नहीं हैं। गाड़ी देख लीजिए गैरेज का क्या सिचुएशन है, एकदम चार गाड़ी गैरेज में, एक गाड़ी बाहर, पांच और ये छठवीं बाहर, और रात तक तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा एकदम लाइन लग जाता है। ठीक है फिर, अब इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे एंड, क्योंकि अब इसका टाइम हो गया है ख़त्म करने का, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।